सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव के निर्देशन में जिले में अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जुआ सट्टा खेलने और संचालित करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते जुए सट्टे के अड्डों पर पुलिस की कार्रवाई होने के बाद अब ऑनलाइन सट्टा जोरों पर चलने लगा है। इसकी लत में कई लोग आ रहे हैं और लालच में पड़कर बर्बाद हो रहे हैं। गाडरवारा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ा है जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से सट्टा चला रहा था। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से सट्टे को लेकर गाडरवारा पुलिस के पास शिकायतें पहुंच रही थी। पुलिस इसको लेकर योजना बनाकर गाडरवारा शहर में अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से जुआ सट्टा खेलने और संचालित करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए टीम बनाई गई। गाडरवारा पुलिस की टीम ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। सोमवार की रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि राधा वल्लभ वार्ड में हेमंत सोनी नाम का व्यक्ति ऑनलाइन ऐप और सट्टे की पर्ची काट के रुपयों की हार जीत का दाव लगा रहा है और ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी हेमंत सोनी निवासी गाडरवारा को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 8,000 रुपए नगद, एक एप्पल मोबाइल और सट्टे की पर्ची जब्त की गई। जब्त मोबाइल में लगभग गाडरवारा पुलिस ने उक्त व्यक्ति पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ऑनलाइन सट्टा और मैनुअली सट्टा खिलाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि राधा वल्लभ वार्ड में हेमंत सोनी नाम का व्यक्ति है जो मैनुअली सट्टा और ऑनलाइन सट्टा का भी काम करता है, पर्ची काटता है, जिसमें मौके पर टीम गठित करके निरीक्षक पार्क नेतृत्व में टीम गठित करके भेजे गए। तो मौके पर टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की। राधा वल्लभ वार्ड में आरोपी को घेराबंदी करके उसको पकड़ा। कितने समय से चल रहा था? उसके पास से कुछ मैनुअली पर्ची भी मिली और कुछ नकदी पैसे भी मिले, 8,181 रुपये करीब मिले, और मोबाइल से भी ऑनलाइन सट्टा खेलने की उसकी खबर थी। उसके पास से मोबाइल भी जब्त किया गया है, आईफोन एप्पल कंपनी का आईफोन है जिसका उसमें जो लॉक था, लॉक खुलने के बाद उसमें सट्टा ऑनलाइन सट्टा की जो अलग अलग साइट होती हैं, जो मैंगो बेट, स्काई बेट, सिल्वर बेट, जिसमें कुछ लोग पैसा लगाते हैं, उनका डिटेल भी मिला हुआ है। उसमें भी लगभग लास्ट वीक 1 मार्च से 6 मार्च के आसपास का जो है लगभग 5,35,000 रुपये का ट्रांजेक्शन उसमें लेन देन पाया गया है फ़ोनपे के माध्यम से, और कुछ डिटेल्स और उसमें है मोबाइल में जो साइबर के माध्यम से एफएसएल के माध्यम से डाटा रिकवर कराया जाएगा और उसमें और जांच करके जो भी अग्रिम विधानिक और कार्रवाई होगी उसको। गाडरवारा से प्रदीप राजपूत की रिपोर्ट।